नमस्कार, डीपी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में पहुंचे राहुल व सोनिया गांधी, स्टीयरिंग कमेटी की हुई बैठक, सीडब्ल्यूसी का नहीं होगा चुनाव। एआईसीसी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भाजपा बौखलाई हुई। और छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ, भूपेश बघेल ने कहा राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन अनुभवी राजनेता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। अधिवेशन में देश भर से कांग्रेस नेता शामिल हुए हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी रायपुर पहुंच गए हैं। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस का अधिवेशन इस लिहाज से खास है कि आज से करीब 100 साल पहले 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तब यह महाधिवेशन मेरे गृह राज्य कर्नाटक में बेलगांव में हुआ था। उन्होंने कम समय में कांग्रेस को गरीब कमजोर तबकों, गांव देहात और नौजवानों को एक साथ जोड़कर एक आंदोलन बना दिया था। 100 साल बाद उसी संकल्प की जरूरत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के हर महाधिवेशन में कुछ अहम फैसले हुए हैं जिससे हमारा संगठन आगे बढ़ा। कुछ अधिवेशन मील के पत्थर बने। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा से देश भर में जो ऊर्जा भरी और महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दों पर जिस तरह जागरूकता फैलाई है, उस जोश को हमें बनाए रखना है। कांग्रेस संचार प्रमुख के अध्यक्ष जयराम रमेश ने कहा कि आज स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई है। सभी सदस्यों ने अपनी राय रखी है। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष को यह अधिकार दिया जाए कि वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को मनोनीत करें। सचिन पायलट ने कहा कि इस अधिवेशन में आने वाली राजनीति का रास्ता तय होगा। सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा। भाजपा की नाकामी हम लोगों को जन जन तक पहुँचाना है। मुझे लगता है कि सहयोगियों के साथ हम लोग 24 का चुनाव चुनौती देकर जीत सकते हैं। भारत सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, चाहे वह बीबीसी के दफ्तर पर छापा हो या फिर कांग्रेस के लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार करना हो। कांग्रेस के महाधिवेशन में शामिल होने रायपुर पहुंचे एआईसीसी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि इस समय भारतीयों की स्वतंत्रता खतरे में है। इस सरकार में पहले बोलने की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई और अब तो हालात यह है कि फ्रीडम ही खतरे में है। एआईसीसी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भाजपा बौखलाई हुई है। भाजपा लगातार राहुल गांधी की आलोचना कर रही है, इससे साफ है कि भाजपा घबराई हुई है। 4 दिन पहले छत्तीसगढ़ में हमारे नेताओं पर ईडी के छापे पड़े, हमारे अधिवेशन को तोड़ने का प्रयास किया गया। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और बहुत परेशानी में है। हमने देखा करीब 5 महीने तक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी जी पर, कांग्रेस पार्टी पर किस तरीके का हमला हुआ, कैसे कैसे टिप्पणियां आई, जो आलोचना हुई बीजेपी के नेता, प्रवक्ता और कई मंत्रियों से, ये बिल्कुल साफ हो गया था कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई हुई। जयराम रमेश ने कहा कि हमको लगातार तरह तरह से धमकी दी जा रही है, हम डरेंगे नहीं। पार्लियामेंट में हम जो बोलते हैं रिकॉर्ड से बाहर किया जाता है। हमने 15 दिन में प्रधानमंत्री से 45 सवाल पूछे हैं गौतम अडानी के घोटाले के संबंध में। अधिवेशन के बाद हम फिर पूछेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव होंगे या नहीं के सवाल पर जयराम ने कहा कि यह स्टीयरिंग कमेटी पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन का शपथ ग्रहण समारोह राजधानी रायपुर स्थित राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित हुआ। बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी ने राज्यपाल को शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष सहित मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिवादन किया और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन अनुभवी राजनेता हैं। वे 5 बार विधायक रहे, अनेक विभागों के मंत्री रहे और राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। छत्तीसगढ़ को उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा।
अनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के केलहारी में मोर आवास मोर अधिकार को लेकर भाजपा नेताओं ने SDM कार्यालय का घेराव कर दिया। घेराव के दौरान राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रही है। जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले केलहारी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने SDM कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। घेराव के दौरान राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीबों से उनका आवास छीन लिया है। भूपेश सरकार की नाकामियों की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिल रहा है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि थी उसका उपयोग नहीं किया, जो गरीबों के लिए आया हुआ था उसे आवास देना था, उसमें उनकी जो 40% की राशि थी उस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस राशि को वापस भेज दिया और कहा कि हमारे पास में बाकी की राज्यांश नहीं है। छत्तीसगढ़ के तमाम गरीबों के साथ प्रदेश के मुखिया ने, भूपेश बघेल ने जिस प्रकार का ये कृत्य किया है उसके विरोध में ही हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए DB Live के साथ। नमस्कार।